माई चैनल माई सेल्फ उर्वशी और मैं हूँ देहरादून में। हम लोग अपनी एनुअल ट्रिप पे निकले हैं। पिछले साल भी हम लोग आए थे, तो पिछले साल हम लोग यहाँ पे देहरादून, मसूरी और ये सारी जगह गए थे, और इस बार हम लोग जा रहे हैं। हमारा मेन गोल है मनाली, शिमला, धर्मशाला, ये सब जाना है। तो देहरादून में हमने स्टॉप लिया क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे, 5 बजे निकल गए थे फतेहपुर से, और यहाँ तक आने में हम यहाँ पहुँचे हैं रूम पे, मैं कहूँ तो 7:45 बजे पहुँचे हैं। तो ये हुआ, अब हम लोग जा रहे हैं खाने पीने पर। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, हमने इस बार होम स्टे लिया। पिछली बार हम लोगों ने होटल्स वगैरह किए थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, और होटल के रूम मतलब रुकने के लिए फिर आप काफ़ी मतलब बंद बंद सा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमने होम स्टे लिया है और पर डे का 2300 है, एज काइंड ऑफ समथिंग 25, और थोड़े कुछ चार्जेस इधर उधर होंगे पता नहीं। लेकिन पहले सबसे पहले तो आपको मैं देती हूँ, ये है देहरादून में, राजपुर रोड से हल्का सा अंदर है, आपके पास कार है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ट्रैप मतलब ऑटो वगैरह भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक टूर, होम टूर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे एक बात करते हैं। ओके, सो ये हमारा होम स्टे है। सो आते ही यहाँ पे लिविंग रूम है, अच्छा खासा बड़ा लिविंग रूम है यहाँ पे, ये है इतना सब कुछ है, डेकोरेटेड एकदम घर जैसा। ये बालकनी है, बाहर ओपन हो जाती है, और ये व्यू है सामने का, और इधर से भी व्यू है। ये ओपन नहीं होती पर ग्लास है, और देखिए बिल्कुल घर जैसा मॉल, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये एक कॉमन वॉशरूम है, एक मेन इधर से, और उधर से बेडरूम है उससे है, और ये है डाइनिंग एरिया, ये है किचन। किचन में इन्होंने हमें चाय पत्ती, मसाले और यूटेंसिल्स वगैरह सब दिए हुए हैं, गैस वगैरह, और फ्रिज है, आरओ है, तो आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है, और देन देयर इज़ दिस फर्स्ट बेडरूम, एक बेडरूम ये है, इसमें अटैच बाथरूम है, और इसके साथ साथ ये सेकंड बेडरूम है। मतलब 4 लोग के लिए हमने बुक किया है, तो 2 बेडरूम है, और ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर थोड़ा मतलब ये सब चीज़ें भी हैं, ज़्यादा वार्डरोब वगैरह, और इस रूम में वार्डरोब नहीं है पर एक वो है, तो इतना वार्डरोब की ज़रूरत भी नहीं है, मैं एक ही दिन रुकना है। फिर यहाँ से आपका ये है बालकनी है, काफ़ी बड़ी बालकनी, अच्छी लग रही है वो तो मुझे, और ये देहरादून का सीन है तो मुझे तो बहुत ही 100% अच्छा लगा। टीवी है दोनों रूम्स में, वाईफाई है, तो मुझे लग रहा है कि एकदम होम स्टे होटल से मच बेटर है, अगर आप मतलब खाना वाना भी अपना खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप मंगा भी सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी हैं, और आई थिंक इट्स मच बेटर। और कितना होमली व्यू है, और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। कितने का था ये? मेरे ख्याल से 2 से 2500 रुपये पर डे का है, 4 लोगों का है, 2 बेडरूम, इतनी सारी जगह विद किचन एंड एवरीथिंग। और अभी गैस के क्या चार्जेस है मुझे नहीं पता, अभी हो सकता है उसका एक्स्ट्रा हो। अदर देन दैट आई विल टोटली सजेस्ट होम स्टेज। और हमने मनाली, शिमला सब जगह होम स्टेज किए हैं, तो वहाँ का भी मैं आपको होम स्टे ही दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। सो गाइज, ये था होम टूर, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने चाय, नाश्ता ये सब कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं। पहले तो अभी कोई मूड नहीं था, सोच रहे थे ऑर्डर कर लें खाना, फिर जीजू ने बोला कि नहीं, एक कोई रेस्टोरेंट है कल्सन करके, उनको बहुत पसंद है, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि थोड़ा रेस्ट कर लो और हम लोग वहाँ डिनर करने चलते हैं, घूमने आए तो बाहर निकलेंगे ही। तो फिर हम लोग जा रहे हैं, वैसे तो बहुत थकान है, सोना है, तो फिर थोड़ा सा ड्रेसअप कर लिया मैंने, मतलब मैं नहीं पहन रही थी, फिर मैंने जीन्स टॉप पहन लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। तो चलिए फिर चलते हैं कल्सन, देखते हैं कैसा है ये कल्सन। रास्ते का मैंने इस बार वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मतलब वही है रास्ता है, और क्या, हम लोग इस बार कोई दूसरे रूट से आए थे। आगरा का थोड़ा सा ताजमहल भी दिखा हमें, और ये सब चीज़ें देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसी से आए थे। तो हम लोग को सुबह 5 बजे से यहाँ तक पहुँचने में 7:45, क्योंकि देहरादून में आके ट्रैफिक था, मतलब रास्ता हमारा अच्छा कट गया लेकिन देहरादून में बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि आज सैटरडे कल संडे, इस वजह से यहाँ से यहीं से सब रूट है, सब जाते हैं घूमने, मसूरी, धनौल्टी, ये सब। कल हम लोग को जाना है सरकुंडा देवी मंदिर, तो आज कंक्लूड कर देती हूँ, कल का ब्लॉग मैं कल बनाऊँगी, पर आज का ब्लॉग मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग इस रेस्टोरेंट पर, देखते हैं कैसा है खाना पीना, एंड देन आई विल सी यू आफ्टर दैट। सूटकेस चाहिए? माऊ हैं, और ये मेरे मेकअप बॉक्स का पीछा नहीं छोड़ती हैं। कहाँ जा रही हो बताओ? ये लो लो सूटकेस, ये रखाओ, रख के आओ इसे, जाओ। नहीं चाहिए, बोर हो गई। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा है, मेरे को कहीं जाना है। कहाँ जा रही हो? हटो पीछे, हटो, चलो सब रेडी हैं खाने पीने के लिए। Thank you.
अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। गए थे उस होटल में, पर वहाँ पे नॉन वेज वगैरह ज़्यादा था, आपको समझ नहीं आया, तो हम अपने ऑल टाइम फेवरेट आनंदम में आ गए वापस, क्योंकि वी फील मच कंफर्टेबल हियर। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग। सो मैं जैसा आपको बताया कि हमको उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कुछ समझ नहीं आया, तो हम लोग चले गए थे आनंदम। और यहाँ पे आनंदम बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आप जैसे लखनऊ में, आप मान लीजिए हमारा लखनऊ में हो गया, क्या नाम है उसका, जैसे लखनऊ मान लीजिए हमारा हो गया आर्यन, वैसे ही यहाँ पे आनंदम में अच्छा वेजिटेरियन खाना होता है। और हम लोग वेजिटेरियन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है जब आसपास के लोग नॉन वेज खा रहे होते हैं, तो ऊपर से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, मतलब थाई ये सब डिशेज़ थे, हम लोग नाम हमको समझ नहीं आ रहा था, तो ये समझ गया कि थाईलैंड वाईलैंड जाने लायक नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, जब खाने नहीं खा पाएंगे तो क्या इन्जॉय करेंगे। बाकी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अच्छा था, हो सकता है अच्छा लोग इन्जॉय कर रहे थे, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे थे, पर फूड में नहीं समझ में आया, तो हम लोग फिर आनंदम गए और वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था। चिली पोटैटो जो थे, हनी चिली पोटैटो बहुत अच्छे और क्रिस्पी थे, मोमोज भी अच्छे थे, थाली जीजू ने खाई, बोले ने सैंडविच खाया, और वो जो फ्रेश लाइम सोडा ड्रिंक होते भी बहुत अच्छी थी। सो नाउ वी आर सेटिस्फाइड, अब बज रहे हैं 10:30, 11 बज रहे हैं, द टाइम इज़ 11, एज यू कैन सी देयर। सो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। मैं छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ मैंने दिखाई नहीं आज देहरादून, तो कुछ नहीं, छोटा छोटा ही ब्लॉग बना रही हूँ, बड़े बड़े ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, वरना एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वन में हम जाएंगे सरगुंडा देवी, सो कीप वॉचिंग, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।